हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल सके, एंड साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कैलेंडर के बारे में बताऊंगा। कैलेंडर का मैंने पहले भी एक नया टॉपिक, जो फर्स्ट कैलेंडर का इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में बताया था आपको। और अभी जो नेक्स्ट जो है वो हम आपको कुछ सवाल करवाएंगे आपको, तो आप सारे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो आप प्राप्त कर सकें और बेल की जो है उस घंटे पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों हम क्या करेंगे, ओल्ड नंबर निकालने के लिए बताएंगे कि ओल्ड नंबर क्या होता है। अगर आप मंथ के हिसाब से अगर ओल्ड नंबर निकालते हो तो वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे नंबर और यहाँ पे आपने मंथ कर दिए, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे डेज की कितने डेज आएगी, और यहाँ पे ओल्ड नंबर कि उसके ओड नंबर कितना आता है। पहला जो फर्स्ट महीने का जो ओड नंबर निकलता है, जैसे मान लीजिए आपने कर दिया जनवरी, JAN जनवरी कर दिया, 30 डेज इन मंथ होता है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए कि जनवरी का जो फर्स्ट जो महीना होता है उसमें ओड डेज कितने होते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 31 डेज का अगर आप 7 का भाग लगाते हो तो कितनी बार 4 बार जाता है, यानी 28 बार जाता है। 28 के बाद में जो भी नंबर आते हैं वो ओड नंबर ही आते हैं। तो जनवरी के बाद में क्या हुआ, जनवरी में कितने ओड नंबर हो गए, 3 ओड नंबर हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, 29, 30 और 31, ये क्या आ गए दोस्तों, ये ओड नंबर आ गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे ये पूछ ले कि फरवरी के अंदर जो है वो ओड डेज कितने होते हैं, तो फरवरी क्या होगा, 28 का होगा या 29 का होगा, तो इसमें या तो 0 ओड नंबर होगा या क्या होगा, 1 होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। या तो एक होता है या 0 होता है ओड नंबर। आपसे पूछ ले कि फरवरी में कितना होता है, तो 0 और 1 होता है। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि मार्च में कितना होता है, तो मार्च में 31 होता है, ये आपको देखना है। टोटल डेज कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो 31 के अंदर ओड डेज कितने आते हैं दोस्तों, 3 आते हैं। जैसे जनवरी का जो आया था ना, वैसे ही इसमें मार्च में आता है। अच्छा, उसके बाद में अप्रैल का आता है। अप्रैल के अंदर क्या होता है दोस्तों, अप्रैल के अंदर 30 का होता है टोटल जो डेज है मंथ का, उसमें कितने भी उसमें ओड नंबर कितने आएंगे, 2 ओड नंबर आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर 31 हो तो 3 ओड नंबर और 30 हो तो 2 ओड नंबर। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आपका कौन सा आ जाएगा, मई का आ जाएगा दोस्तों, और मई का कितना आ जाएगा, मई का आ जाएगा 31, तो इसका 3 ओड नंबर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मई के बाद में जून, जून का कितना आ जाएगा दोस्तों, 30, और ओड डेज क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद में जून के बाद में जुलाई, जुलाई का आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, जुलाई का 31, और उसके बाद में 3 ओड नंबर। अच्छा, जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त का कितना आ जाएगा, इसका भी 31 ही होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका 3 ओड नंबर आ गया। उसके बाद में सितंबर का, सितंबर का कितना आ जाएगा दोस्तों, 30, और 2 ओड नंबर आ जाएगा। उसके बाद में अक्टूबर, अक्टूबर का कितना आ जाएगा दोस्तों, 31, यानी 3 ओड डेज नंबर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में नवंबर, नवंबर में कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, ओड डेज 2 आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल दिसंबर, और दिसंबर का आपका कितना आ जाएगा, 31, और ओड डेज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों मैंने आपको ये बताए हैं कि हर मंथ के अंदर कितने ओड नंबर आते हैं, और उसके बाद में 3 किस में आते हैं और 2 किस में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये आपको ध्यान रखने के बाद में हम आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं। अगर दोस्तों आपको ये दे दे कि आपके, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2001 को मंडे है, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में कह दे कि आपको 25 जनवरी 2001 को क्या होगा। अगर दोस्तों डेट अलग हो, मंथ और ईयर समान हो, अगर मान लीजिए मंथ और ईयर समान हो, डेट अलग हो, तो कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए मंडे निकल के आया आपका जनवरी का, तो अब 28 को क्या निकल के आएगा, तो आपको ध्यान रखना है 28
25 में एक माइनस कीजिए, कितना हो गया दोस्तों 24 आ गए। इसमें आप अगर 7 का भाग देते हो तो 3 बन जाता है, 3 ओड नंबर आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 3 ओड नंबर आए हैं इसमें आप 3 जोड़ दीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, थर्सडे आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे पूछ ले कि अगर आपके पास, अगर मान लीजिए डेट अलग हो और मंथ और ईयर समान हो तो आपको क्या करना है, इनमें से एक लेस कीजिए और जो शेष फल बचता है उसमें आप 7 का भाग लगाइए, और जो उसके बाद में ओड नंबर आएगा उसके हिसाब से आप काउंट कर दीजिए। जैसे मंडे आया, इसका मंडे है वो 1 जनवरी को है, तो इसमें आपको 3 जोड़ने हैं, 0, 1, 2, 3। तो 1 का क्या हो जाएगा, मंगलवार और वेडनेसडे और फिर थर्सडे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, तो इसका कितना निकल के आ जाएगा आपका, थर्सडे आ जाएगा। ये चीज तो आपको क्लियर होगी होगी। अगर दोस्तों मान लीजिए आपके पास अगर साल अलग हो, ठीक है, साल अलग हो, जैसे 1 जनवरी 2001 को फ्राइडे है, ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2001 को फ्राइडे है, तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जनवरी डेट भी कट जाएगी, मंथ भी कट गया, अब आपकी साल आ जाती है दोस्तों। अब ध्यान रखना कि जब भी आपके साल अलग अलग हो तो 2001 और 2002 इनके अंतर क्या आएगा, अगर मान लीजिए लीप ईयर हो तो 2 जुड़ता है, अगर लीप ईयर हो तो साल के अंत में कितने जुड़ेंगे, 2, और नॉर्मल ईयर हो तो नॉर्मली ये तो 1 जुड़ेगा, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो आपको क्या करना है, फ्राइडे में 1 जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। तो क्या था 2002 में, क्या था, सैटरडे था। अगर मान लीजिए आपसे ये ना पूछे, दोबारा आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी 2004 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा, आपको ये बताना है। 1 जनवरी 2004 को मंडे था तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इसमें डेट भी समान है, मंथ भी समान है, अब इस दोनों में अंतर है। अब ये क्या है, लीप ईयर है। ठीक है दोस्तों, अब लीप ईयर मैंने आपको बताया था कि 2 जोड़ना है, 2 ऐड करना है, किसमें करना है, मंथ के अंदर, ठीक है ना, ईयर के अंदर। तो जैसे मान लीजिए 2004 को क्या था, मंडे था, तो 2004 को था आपका मंडे, अगर उसके बाद में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मंडे के बाद में क्या आएगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो क्या हो जाएगा, 2004 में 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ये आप सबको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए लीप ईयर होता है तो 2 ऐड करते हैं, अगर नॉर्मल ईयर होता है तो 1 ऐड करते हैं। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है ऐसे कि 1 जनवरी 2008 को संडे है, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर मेरे को बताना है कि क्या, इसका कमेंट कीजिए, आप कमेंट करके बताइए कि 1 जनवरी 2008 को संडे है तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, एक लीप ईयर है और नॉर्मल ईयर है। ठीक है दोस्तों, तो 2008 को क्या था आपका, 2008 को 1 जनवरी को था संडे। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके अंदर 2009 में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2009 के अंदर 2 ऐड करना होता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर कितने ऐड करना होता है था आपको, मैंने 2 बताए थे, और नॉर्मल ईयर में क्या था, 1 जुड़ता है इसके अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो 2008 और 2009 के अंदर 2 जुड़ जाएंगे तो संडे क्या हो जाएगा, मंडे और ट्यूजडे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना।
और उसके बाद में 2009 से बाद में 2010 आ जाता है। तो 2010 में क्या निकल के आता है दोस्तों, 2010 के अंदर एक ऐड हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। 2009 और 2010 कितने हैं, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में कितने ऐड होते हैं दोस्तों, 1 ऐड होता है। तो अब मेरे को बात बताइए आप कि 2009 के अंदर तो आपका ट्यूसडे आ जाता है, 2010 में क्या निकल के आता है दोस्तों, 2010 में एक ऐड करना है तो इसका क्या देगा, वेनेसडे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। 2009 पहले 2008 के अंदर संडे था, फिर 2 इसमें ऐड हो गया क्योंकि ये लीप ईयर है। 2009 के अंदर क्या हो गया, मंगलवार हो गया आपका, और उसके बाद में 2010 में क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और आपसे करवाता हूं मैं आपको, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका। 1 जनवरी 2012 को आपका क्या निकल के आता है दोस्तों, ट्यूजडे है। तो मेरे को आपको ये बताना है आपको कि 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 1 जनवरी 2012 को ट्यूसडे था आपका, तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना, ये भी एक लीप ईयर है क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये कौन सा आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। और लीप ईयर में कितना ऐड करने के लिए बताया था मैंने आपको, 2 ऐड करने के लिए बताया था, यानी साल के अंत के अंदर कितने ऐड हो जाते हैं, 2 ऐड हो जाते हैं, और नॉर्मल ईयर तो 1 ऐड होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब मेरे को बताना है आपको कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में क्या था आपका, ट्यूजडे था। अब ये 2012 लीप ईयर है तो इसमें कितने ऐड करने हैं आपको, 2 ऐड करने हैं। तो 2 ऐड करने के लिए ये क्या हमसे, मंगलवार, फिर बुधवार, और फिर क्या आ जाएगा आपका, थर्सडे आ जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए ट्रिक्स और अपने नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे कैलेंडर के अंदर, आप सारे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।